हम इंसानों की दुनिया से अलग ये जंगलों की दुनिया आसान नहीं है, जहां हम इंसान अपनी बीमारी और परेशानियों को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इन जंगली जानवरों को बेहद दर्दनाक मौत से गुजरना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। बाबीरूसा। ये जानवर मुख्य रूप से इंडोनेशिया के घने जंगलों में पाया जाता है। ये दिखने में तो एक पिग की तरह लगता है, लेकिन हिरन की तरह इसके सिर पर सींग भी होते हैं, जो पीछे की ओर मुड़े रहते हैं। इसके झुंड में लगभग 8 से 10 बाबीरूसा होते हैं, जो जंगल में पौधे, फल, घास, यहाँ तक कि छोटे जानवरों का शिकार भी करते हैं। ये सुअर की ही एक प्रजाति है, जिसके सर पर बाल नहीं होते। इनमें नर बाबीरूसा के ही सींग होते हैं, जो लड़ने के भी काम आते हैं, और यही सींग आगे चलकर इसकी मौत का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। समय के साथ बढ़कर ये इनके सर में बुरी तरह धंस जाते हैं, जो इन्हें एक दर्दनाक मौत देते हैं। बाबीरूसा लड़ाई के दौरान बहुत आक्रामक होते हैं और लड़ाई के दौरान भी अपने सींगों का इस्तेमाल बाखूबी करते हैं। इन जानवरों को नहीं मालूम कि इनकी रक्षा में इस्तेमाल होने वाला सींग ही इनकी मौत का कारण बन सकता है और इन जानवरों में अधिक मौतों का जिम्मेदार बनता है। कुछ और भी जंगली जानवर हैं जिन्हें अंगों के द्वारा खौफनाक मौत देखने को मिलती है। इनमें जंगली भेड़, जो अपने बालों की वजह से दम घुटने से मर जाती है, और जंगली घोड़े, जो अपने बड़े खुर के कारण चलने फिरने को भी मजबूर हो जाते हैं और यूं ही तड़पकर अपनी जान दे देते हैं।